अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जब से मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी ना कि सिराज ने कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग क्यों छोड़ा, तो उसके बाद से माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं और मैसेज पे भी वो बहुत गलत बातें कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपको फेमस होने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए आपने बच्चे को यूज किया। जब बच्चा फेमस हो गया तो आपने बच्चे को फिर हटा के अभी आप खुद आ गए हैं और खुद को प्रमोट करने के चक्कर में। मैं कुछ दिन के लिए बेटे को रेस्ट देना चाहता था, इसलिए क्योंकि उसकी पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, रूटीन भी थोड़ा खराब हो गया था और बाकी मैंने आप लोगों से कहा कि बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आई थी। ये कतई नहीं कहा था कि सिराज हमेशा व्लॉगिंग छोड़ रहा है, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा। आप मेरी वीडियो उठा के देखें और सिराज की वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमने यही कहा था कि कुछ दिन के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये हेडलाइंस बन जाएंगे, टीवी पे हेडलाइन चलना शुरू हो जाएंगे कि सिराज ने व्लॉगिंग, मतलब ये मतलब मीडिया में ये शो हो रहा है कि सिराज ने व्लॉगिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, सिराज इंशाल्लाह वापस आएगा, वो वीडियो बनाएगा, बस ये चीजें थी। अच्छा, मैंने सिराज ने जब वीडियो बनाया था माई लास्ट व्लॉग ऐसा कुछ करके ना, वो उसने वीडियो बनाया था और मेरी कुछ दिन के लिए मैं पढ़ाई को डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं कुछ दिन में वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद से मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लगे और फैंस इतने परेशान हो रहे हैं अचानक से व्लॉगिंग क्यों छोड़ रहे हैं, उसको व्लॉग